गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय भारत यार। बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ एक नवा से वीडियो में, और साथ में यार हैप्पी स्टेटहुड डे यार। अरुणाचल प्रदेश का आज स्टेटहुड डे है, 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो मैं अभी हूँ यार अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हवाई करके एक जगह है ना जो कि हेडक्वार्टर है अंजाव का। तो यहाँ आज क्या हो रहा है कि यार स्टेटहुड डे मनाया जा रहा है यार। पीछे आप देख रहे हो तंबू लगाया हुआ है, और बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं है, बट अभी सुबह का 9 बजने को है, तो आस्ते आस्ते करके लोग शायद आ जाएंगे। तो कुछ भाषणबाजी हो रहा है अभी, ठीक है। तो चलो यार आज का वीडियो ना यहीं का होगा यार। ग्राउंड के अंदर क्या कुछ देखने को है यहाँ में दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। ओके चलो बने रहो यार। और ये आप देख सकते हो, और ये यार संतरा है जो कि यहाँ का लोकल है, ठीक है, लोकल संतरा है ऐसा करके। और ये भी आप देख लो यार, ये तो आलू है ना जो अभी मैंने दिखाया था यार, ये कुछ लीप के अंदर पैक करके रखा हुआ है। तो ठीक है यार, मैं एक संतरा और ना इसको एक आलू ले लेता हूँ, बस टाइम पास करेंगे। ओके, कुछ ऐसा दिखता है, आप देखो यार बहुत सुंदर से पैक किया हुआ है ना, अच्छा लग रहा है। गल, ये गल है, गल। अच्छा गल है, हाँ, गल बोलता है। लोकल नाम जो गल है। ओ, इसको जो बोलते ना मिशमिश समुदाय के लोकल लोकल नाम से बोलता है इसको गल, ठीक है, गल बोलता है, गल ये गान। ओ, उसको गान बोलता है, गान 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 बोलता है। हाँ अभी सुना था, ये गान तो सबसे टेस्ट है। अच्छा सबसे टेस्टी वाला ये है, ये सबसे टेस्ट वाला है। अच्छा 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 गान। ये आप देख लो यार, ये तो मच्छी है ना यार, कितना अच्छा लग रहा है। ये सूख है यार, अंदर में सुखा के रखा हुआ है। और ये जो आप पता है ना हमारा यार अरुणाचल में ना ऐसे बेम्बू के अंदर बना के रखता है यार, इसके अंदर डाल के। ये अच्छा से देखो इसको बनाया है टोकरी के अंदर। ये आप देख सकते हो यार सारा, ये जो है लाइव पत्ता, इसको लाइव पत्ता बोलते ना, ये लोकल है यहाँ का, ठीक है। देखो यार सारा वेजिटेबल्स है हमारा अरुणाचल प्रदेश का लोकल सब्जी, ये सब जो है यार। ये देखो सारा ये लोकल है, पपर वगैरह है कुछ। और ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये सारा जो है मिशमी समुदाय का ना जो कि अपना पारंपरिक वस्त्र है, ठीक है, अपना पारंपरिक पोशाक है जो कि यार गले बोलता है ना कुछ ऐसा है यार, ठीक है। और वो जो बैग है आप देख सकते हो। ये देखो भाई साहब यार, ये जो है ना यार हमारा यार अरुणाचल प्रदेश का ना प्यारा समुदाय जो कि यार मिशमी समुदाय है ना, उन लोगों का ये जो पारंपरिक वस्त्र है, ठीक है, और इसको बोला जाता है गले, ये गले बोलता है, गले तो बोलते हैं ना। हाँ, ये एक्चुअली बनाने का तरीका जो है सबका सेम है, बट ये डिज़ाइन जो है ना कुछ थोड़ा अलग देखने को मिल जाएगा आपका। लाइक जैसे कि ये अलग कलर का मिल रहा है ना, पूरा सूता जो है इसमें धागा जो है अलग अलग कलर का दिख रहा है ना, कुछ ऐसे करके यार सारा समुदाय का ना अलग अलग डिज़ाइन होता। तो ये जो है मिशमी समुदाय का है, ठीक है, बनाने के तरीके कुछ ऐसा है। देखो यार पहले भी मैंने दिखाया था, बट फिर भी दिखा रहा हूँ, ये जो सिस्टर है ना बना रहा है यार, बहुत मेहनत लगता है इसमें बनाने में। ओके जी, ठीक है। पीछे यार वेलकम गेट बना हुआ है हवाई का जो है, शायद इसके पीछे ना ये न्यू जो हवाई है ना वो इलाका यहाँ से जाता है, और सारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वगैरह ये साइड में होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो चलो यार जा कर के देखते हैं यार क्या होगा अंदर में। ये देखो यार कुछ ऐसा यार खूबसूरत सा ना यार वॉकिंग स्ट्रीट, वॉकिंग रोड बनाया हुआ है यार इसके। अभी जो वेलकम गेट के अंदर घुसते ही ना, बट इतना सुंदर तो बनाया, बट यहाँ पर यार लोग है ही नहीं, फिर भी क्या करें यार। चलो कुछ कुछ तो खूबसूरत बनाया है, सिर्फ और सिर्फ
इंटरनेट को छोड़ करके तो कुछ ऐसा बनाए। आप यहाँ देखो आराम से आप रेस्ट भी कर सकते हो। गर्मी के समय ना यार शायद बहुत अच्छा होगा। ये जो है, ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये जो मेमोरी है जो कि यार अपना अरुणाचल प्रदेश का ना यार फॉर्मर लेट सीएम साहब का ये मेमोरी है, जिनका नाम है यार काली कबूल साहब ना, आप सबको पता होंगे। उनका मेमोरी यहाँ बना हुआ है यार पीछे, आप देख सकते हो कुछ एक ऐसा चौक है। चलो ठीक है, अंदर जाके देखते हैं ना अंदर जाने का रास्ता है कि नहीं है, जा सकते कि नहीं सकते। ओके, आप देख सकते हो। अरे इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है ना, हमारा जो अभी का जो मुख्यमंत्री साहब है श्री पेमा खांडू जी, उनके द्वारा हुआ था ये इनॉग्रेशन जो है। और इसका तारीख है 23 दिसंबर 2021 को हुआ था, ठीक है ना। श्री तापिर गाव जी है एमपी, फिर फुरबाल सिंह जी होनपेल एमएलए, मोबी मिहू जी, दसंगड़ पोल मैडम जो यहाँ का विधायक जी है, फिर उसके बाद डॉक्टर मोहित चाई जो है चेयरमैन है, उन सब के द्वारा इसको इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा तो देखो यार कुछ ऐसा काली कपूर साहब का ना, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का यार फॉर्मर लेट सीएम साहब है, उनका मेमोरी कुछ ऐसा बना हुआ है। बट बहुत क्लियर नहीं देख रहा यार, क्योंकि शायद वहाँ से धूप की वजह से कुछ ऐसा है। चलो ठीक है, फिर भी यार तो मेमोरियल तो यार बहुत ही खूबसूरत बना है यार, अच्छा लग रहा है। देखो यार ऐसे करके ना, ये आप देख सकते हो काले कपूर साहब का मेमोरियल बना हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मर लेट सीएम साहब है। इनका बारे में तो सबको पता है, कुछ ऐसा है। और ये देखो यार उस साइड ना सारा जो है ओल्ड हवाई है, जो कि मैं कल रात को ठहरा था ना, मैं वहाँ से अभी यहाँ आया हूँ यार न्यू हवाई की तरफ में। ओके चलिए, अभी इसको छोड़ के ना निकलता हूँ यार, आई लव अंजाव करके एक पॉइंट है ना, वहाँ तरफ जाऊँगा, ठीक है। ओके जी, ये लो जी आई लव अंजाव खूबसूरत सा ट्रॉप में बना हुआ है। और बैक साइड आप देखो यार पहाड़ है, बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है ना। चलो बैक साइड का नज़ारा दिखाते हैं। लग रहा है मेरे को यार न्यूली कंस्ट्रक्शन है ये भी, ऐसा दिख रहा है। ओ वाओ यार सही पता हूँ, यहाँ से दिखाई दे रहा है सारा हवाई जो है ना। ये देखो यार भाई साहब यार, ये है यार अपना अंजाव डिस्ट्रिक्ट का ना हेडक्वार्टर, जिनका नाम है यार हवाई, ठीक है। हवाई तो हवाई है यार, बहुत ज़्यादा हवाई हवा मार रहा है यहाँ पे यार, इतना तेज हवा मार रहा है। और ये जो है ना सारा यार पहाड़ का, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है यार, इसका बीच में ना ये हवाई जो बसा हुआ है, छोटा सा एक टाउन है, ठीक है, प्यारा सा। खूबसूरत तो बहुत है यार, बहुत ही सुंदर जगह है यार, और कुछ कुछ ना डेवलप भी हो रहा है, अच्छा लग रहा है। की कमी है यहाँ पे यार वो है कि यार यहाँ इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलता यार, बिल्कुल है ही नहीं यार, सिर्फ BSNL ही चलता है, और वो भी ना फ़ोन बहुत दिक्कत के बाद, बहुत ट्राई करने के बाद फ़ोन लगता, ठीक है। और इंटरनेट का इशू तो बहुत ज़्यादा है यार, ये मेरे को समझ में नहीं आया यार क्यों ऐसा यार, आजकल के ज़माने में इंटरनेट तो होना चाहिए। और ये नज़ारा देखो यार आई लव अंजाव के ट्रॉप से ना, ये सारा जो हवाई को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यार यहाँ हवाई ये टाउन में पहुँचने के लिए ना, आपको अगर तेजू से आप आ रहे हो तो आपको 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, ठीक है। तेजू से यहाँ तक जो 150 किलोमीटर है, बीच में आपको पड़ जाता है एक हायोलिंग करके एक जगह है, ठीक है। फिर वहाँ से हायोलिंग से ना ये जो हवाई जो है 50 किलोमीटर है, बट तेजू से जो हायोलिंग तक ना यार रोड कटिंग चल रहा, थोड़ा सा रोड का प्रॉब्लम तो है। फिर उसके बाद यार हायोलिंग से ना ये जो हवाई तक आने के लिए ना यार रोड तो यार ठीक है यार, ठीक ठाक है यार, अच्छा है, कुछ ख़राब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप पहुँच सकते हो, और सरकारी बस भी जाता है, और टाटा सुमो वगैरह ऐसा चलता है यार, ठीक है ना। बट यहाँ मैंने बोला बार बार यार नेट का बहुत इशू है, इंटरनेट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, वो सब का बंदोबस्त कर लेना आप। BSNL है लेकिन BSNL भी यार बहुत दिक्कत की बात कॉल लगता है।
ये मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक क्यों ऐसा है यार। चलो ठीक है यार, बाकी नज़ारा खूबसूरत है देखो आप। ओके, और एक बात यार, यहाँ से ना किबिदो जो है शायद यार 100 किलोमीटर होगा, जो कि यार लास्ट अरुणाचल का बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया का बॉर्डर है, और वहाँ से आगे ना यार चाइना पड़ जाता है, ठीक है, चाइना बॉर्डर, यहाँ से किबिदो तक जाना होगा, बट मैं तो नहीं जाऊँगा, दो तीन बस्ती क्रॉस करके जाना होता है, 100 किलोमीटर होंगे शायद। ओके, फिर उसके बाद जाना होता। चलो ठीक है, ये आप देख सकते हो यार, यहाँ का जो ना हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है, स्कूल तो बहुत बड़ा से बनाया है यार, अच्छा दिख रहा है ना ऊपर से, पास में तो मैं नहीं जाऊँगा यार, बट ऊपर से दिखा रहा हूँ ऐसे ही। और अभी फ़िलहाल में ना यार ये ओल्ड हवाई की तरफ आ रखा हूँ, तो उस साइड में थोड़ा पहले गया था ना यार, आई लव अंजाव करके पॉइंट वहाँ पे है ना, तो उधर से मैं यहाँ फिर आ रखा हूँ। कितना खूबसूरत दिख रहा है ये देखो यार, ये जो स्कूल है यार, हायर सेकेंडरी स्कूल है, स्कूल तो बहुत ही बड़ा सा स्कूल बनाया है। ओके, नज़ारा खूबसूरत है। चलो ठीक है यार, कुछ ऐसा देख रहे हैं हवाई यार। आज का ना अपना आशियाना बन चुका है, ठीक है, पीछे मैंने अपना टेंट को लगाया और मेरे साथ देखो यार कितना सारा दोस्त मेरे को मिला है ना आज यार। सारा का सारा देखो यार, कितना स्माइल अच्छा लग रहा है, सबका सफ़ेद दांत दिख रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। ये सब का बच्चा लोग ना अभी यार वैकेशन चल रहा है ना, स्कूल का पढ़ाई ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम दे दिया, तो वैकेशन चल रहा है, ठीक है, तो सारा ऐसा बैठा हुआ है, दोस्त बन गया अपना यार, अपना टेंट पिच हो गया और अब सो जाएंगे बस यार, बहुत थक चुका हूँ ना आज। ओके देन, सबको मिलके अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है ना, एक बार बाय बाय बोल दो। ओके।